हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन एक बार देखते हैं, रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एन आरसीसी बीम्स 300 mm वाइड एंड 500 mm डीप इफेक्टिव है, इज रेनफोर्स्ड विद 4 bars 16 mm डाया ऑफ बार्स। ओके, तो 4 नंबर ऑफ बार्स यूज़ करेंगे 16 डाया के। मोमेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है और इस सेक्शन का, और हमें क्या करना है, यूज़ करना है M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड FA 415 फॉर स्टील। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो गिवन डाटा है हम उसको लिख लेते हैं। ओके, इसको सॉल्व करने से पहले हम इधर लिखते हैं अपना गिवन डाटा। तो गिवन क्या है हमें, सबसे पहले बी गिवन है, बी दैट इज 300 mm एंड डी इज इक्वल्स टू 500 mm एंड M20 ग्रेड गिवन है, और हमें क्या गिवन है, M20 ग्रेड गिवन है, M20 और FE 415। ओके, तो हमें जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो उसका फॉर्मूला मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था। ये होता है एक, और एक ये होता है बहुत कुछ उसमें, अगर हमारा केस सेक्शन जो है बैलेंस सेक्शन है, बैलेंस और ये वाला हमारा बैलेंस और अंडर रेनफोर्स के लिए यूज़ होता है, अंडर रेनफोर्स। ओके, बैलेंस मतलब जो एन है, एन इज इक्वल टू एन सी, यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस जो होती हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस के इक्वल होती है, और जो वो न्यूट्रल एक्सेस है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस है, जब ये स्मॉलर देन या छोटी होती है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस से, तब जो है हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। और ये कब यूज़ होता है, जब ओवर रेनफोर्स्ड हमारा सेक्शन होता है, यानी कि जो न्यूट्रल एक्सेस है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस है, वो ग्रेटर होती है, यानी बड़ी होती है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस से। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ये दो हमारे फॉर्मूले। ओके, तो बोथ केस में हमें जो है ये सिग्मा ST जो आप देख रहे हैं, ये AST, इसमें सिग्मा CBC और क्या था, बी हमें गिवन है और एन नहीं है, एन तो निकल जाए फॉर्मूले से। तो यानी कि जो ये है सिग्मा ST AST CBC, ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी विद द जो हमें डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहले हम जो CBC है और ये सिग्मा ST है, इसकी बात करते हैं हम। ये क्या होता है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट एंड परमिसिबल स्ट्रेंथ इन स्टील, ये होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है और कैसे निकालते हैं देखते हैं पहले हम। तो जो इसकी वैल्यू होती है, जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन गिवन है M20 ग्रेड है, तो M20 के लिए जो हमारा ये होता है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंक्रीट होता है, वो कितना होता है, 7 Nm/mm². और ये वैल्यू आई कहाँ से, तो ये आई हमारे IS कोड 456-2000 टेबल नंबर 21 से। ओके, उधर आप इस कोड के टेबल पे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे ये वैल्यू गिवन होती है फॉर वेरियस ग्रेड्स के लिए, इनकी वैल्यू अलग अलग गिवन होती है। अब ये क्या है, स्टील का ग्रेड है, तो इसके लिए क्या होती है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, इसके लिए होती है 230 Nm², और ये कहाँ गिवन है, IS कोड 456 में ही टेबल 22 पर गिवन है। ओके, तो निकल गया, अब क्या बचा हमारा, AST यानी एरिया ऑफ स्टील, आप देख सकते हैं एक बार, और तो ये जो है इसमें तो ये निकल गया हमारा, अब ये AST और रहता है, AST क्या है, ये एरिया इन स्टील। तो यहाँ पर हम AST भी फाइंड करते हैं, AST एरिया ऑफ स्टील, तो एरिया ऑफ स्टील कैसे निकलेगा, पाई बाय 4 और डी स्क्वायर, यानी कि जितने mm का जो हमारा स्टील यूज़ हो रहा है वो
ये आ गया एरिया ऑफ स्टील, और एरिया ऑफ स्टील हमारे जो है कितने नंबर ऑफ बार्स के लिए चाहिए हमें, फोर नंबर ऑफ बार है, तो एरिया ऑफ स्टील जो होगा फोर नंबर ऑफ बार के लिए होगा, तो एरिया ऑफ स्टील हमारा ये हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे एरिया ऑफ स्टील हो गए, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/4 square, तो ये आ जाएगा हमारा वैल्यू है ए एस टी की 804.25 mm square। ओके, तो ये हमारी ए एस टी के लिए वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड करेंगे, हमें पता लगाना है कि कौन सा सेक्शन है ये, और हमारी जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो किस सेक्शन के थ्रू आएगी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड करेंगे, या फिर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस किसी को भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को ही फाइंड करते हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, इसको हम एन से भी डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला होता है बी एन स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू एम ई एस टी, ओके, बी माइनस एन। ओके, ये फॉर्मूला जो है आई एस कोड में भी गिवन होता है। ओके, तो फिर हम इसकी वैल्यू डालेंगे जो हमें गिवन है, बी हमें गिवन था 300 इंटू में एन स्क्वायर बाय टू इज इक्वल्स टू, अब एम क्या है, एम तो क्वेश्चन में हमें गिवन ही नहीं है। ओके, तो एम अगर गिवन ना हो तो हमने पहले पढ़ा था एम क्या होता है, मॉडुलर रेशियो, तो मॉडुलर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 280/3 सिग्मा सी बी सी। ओके, तो ये होता है एम का फॉर्मूला, एम मतलब क्या होता है, मॉडुलर रेशियो। तो हम इसकी वैल्यू इससे फाइंड कर लेंगे, तो एम की वैल्यू जो आएगी हमारी वो आएगी, हम कैलकुलेट कर लेंगे 280/3 × σ c 7। ओके, 280 तो 13.33 आ गई। ओके, 13.33 जो होती है मॉडुलर रेशियो की वैल्यू आ गई, अगर इनकेस अगर गिवन नहीं है, अगर हमें कभी कभी एम की वैल्यू गिवन भी होती है तो हम वही लेंगे। ठीक है, 13.33। और ए एस टी क्या है हमारा, एरिया ऑफ स्टील जो हमने फाइंड किया था अभी यहाँ से, तो ब्रैकेट में डी माइनस एन थ्री, तो डी हमारा कितना गिवन था यहाँ, 500 हमें गिवन था। अभी इफ़ेक्टिव का मतलब मैंने आपको बताया, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर इनकेस क्वेश्चन में इफेक्टिव ना हो तो हम जो है डेप्थ जो है हमारा इसमें मतलब कवर जो है प्रोवाइड नहीं हुआ है, कवर मतलब हम कवर देते हैं ना किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते समय, तो अगर हमें कवर नहीं गिवन, कवर नहीं दिया तो उसमें हमें अगर मान लो इफेक्टिव नहीं दे रखी होती डेप्थ, तो इस क्वेश्चन में कवर भी एक्स्ट्रा दिया होता तो उस कवर को इस डेप्थ से माइनस करेंगे तो हमारा इफेक्टिव डेप्थ निकल जाएगा। ओके, अगर इनकेस इफेक्टिव नहीं दिया तो, इधर तो हमें गिवन है तो हमने कर दिया। ठीक है, तो फिर जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा इक्वेशन बन जाएगा इस तरीके का, ये 6.25 n। ओके, तो फिर जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा ये। ठीक है, तो फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इधर ले आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारी n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, n मीन्स एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल्स टू 156.65 mm। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ओके, नाउ वी फाइंड क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ओके, क्रिटिकल न्यूट्रल
एक्सिस। अब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन सी से। एन सी का फॉर्मूला मैंने आपको दो बताया था इंट्रोडक्शन में, आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड के। तो हम जो है इधर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन सी इज इक्वल्स टू के डी। ओके, या एक वो फॉर्मूला होता है वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिसका फॉर्मूला है एम सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई सिग्मा एस टी इज इक्वल्स टू एम सी डी माइनस एन सी। ओके, ये होता है फॉर्मूला दूसरा, हम किसी भी मैथ फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, तो हम जो यहाँ फाइंड कर रहे हैं वो एन सी की वैल्यू के डी वाली कर रहे हैं, एन सी इज इक्वल्स टू के डी। ओके, अब ये के क्या है, वो लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर और लीवर आर्म फैक्टर होता है के। तो इसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, के का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकलेगा, ये होता है के, के इज इक्वल्स टू होता है इसका फॉर्मूला एम सिग्मा सी बी सी डिवाइड एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। ओके, तो ये फॉर्मूला ही हमने सब गिवन ही है, तो आ जाएगा एम जो है हमारा 13.33 था इनटू में सिग्मा सी बी सी किया तो परमिसिबल स्ट्रेस कॉन्क्रीट का, तो ये था 7। इधर ये सेम आ जाएगा 13.33 इनटू 7 प्लस में एस टी, यानी ये कितना था हमारा, ये था 230 गिवन था और 230 हमने लिया था। ओके, ओके, तो हमारी के की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, हमारा के इज इक्वल्स टू आ जाएगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13.33 इंटू में 7 प्लस 230 डिवाइड बाय 93.33। तो ये आ रहा है 0.288 जो है के की वैल्यू आ गई। ओके, तो अब एन सी जो हमारा आ जाएगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस वो क्या आ जाएगा, के इंटू के डी यानी इफेक्टिव डेप्थ, वो कितना था हमारा 500 गिवन था। तो ये जो एन सी की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू में 500, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 14430। ओके, 144.30 mm ये आ गई वैल्यू हमारी एन सी की। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे यहाँ पर, कंपेयर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एन एंड एन सी। तो यहाँ पे जो है हमारा एन सी जो है 144.30 है, और जो हमारी उसकी वैल्यू आई थी एक्चुअल की वो कितनी आई थी वो हम देखते हैं अभी। तो हमारी जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस थी 156 है, ओके 156.65, और क्रिटिकल की जो है 144.30 थी। तो हमारी जो है एन इज़ ग्रेटर देन एन सी है। ओके, तो हमारा जो केस है एन इज़ ग्रेटर देन एन सी है। तो हमारा जो यहाँ पर केस बनता है वो क्या होता है, हमारा आ जाएगा ये ओवर रेनफोर्स कंक्रीट। ओके, अगर हमारा एन जो है ग्रेटर देन ये है तो जो हमारा सेक्शन है ओवर रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट। ओके, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, तो जो हमारा ओवर रेनफोर्स्ड में जो सेक्शन होता है वो, उसमें हमने इंट्रो में पढ़ा था क्या होता है, उसमें कॉन्क्रीट इज रिच अर्लियर इट्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ओके, तो स्टील से पहले जो होता है वो फेल हो जाता है, तो इसमें कंक्रीट जो है पहले फेल होगा हमारा। ओके, तो ये आ गया। तो एम आर का जो फॉर्मूला है वो हम कौन सा लेंगे, हाफ सिग्मा सी बी सी वाला। ओके, तो हम मोमेंट ऑफ
रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम आर फाइंड कर लेंगे, हाफ सिग्मा सी बी सी वन बी एन ओके बी माइनस एन बाय थ्री ओके, ये फॉर्मूला था हमारा। नाउ वी पुट ऑल वैल्यूज इन दिस फॉर्मूलाज एंड फाइंड आवर आंसर ओके। तो सिग्मा सी कितना था 7, बी कितना है हमारा, बी हम लोगों को गिवन था 300 ओके 300। अब एन की वैल्यू कितनी आई थी, एन की वैल्यू हमारी आई थी 156.65 आई थी 6.65 ओके ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिग्मा सी बी सी बी एन, अब ये आ गया हमारा बी और ये एन, डी डी कितना गिवन था हमें 500 और एन कितना है हमारा 156.65 डिवाइडेड बाय 3। तो जो एम आर आ गया वो क्या आ गया हमारा, हम कैलकुलेट कर लेंगे सारी वैल्यूज, तो उसके बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 73.65 किलो न्यूटन ओके। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो जो हमारी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी इतनी, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।